हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एमपी शर्मा। आज शुरू कर रहे एक नई सीरीज ब्लड ग्रुप्स, और ब्लड ग्रुप्स होते हैं एंटीजन के कारण। एंटीजन खास तरह के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन आरबीसी के मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। हर तरह के सिस्टम का एक अलग सेट है एंटीजन का या ग्लाइकोप्रोटीन का, और इन सेट के लिए जीन्स का एक अलग सेट है। इन सेट्स के कारण अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप्स बने हैं, और इनमें से अपन तीन जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से या हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ज्यादा महत्व के हैं या किसी और तरह से महत्व के हैं, उनको अपन समझेंगे। इनमें से एक एब्यू सिस्टम है, एक आरएस सिस्टम है और एक एमएन सिस्टम है। सबसे पहले बात करते हैं अपन एब्यू सिस्टम की। एब्यू सिस्टम की खोज कार्ल लैंडस्टीन ने की, और उनको नोबेल प्राइज भी मिला। ये इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी कि इसके कारण ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्त चढ़ाने का जो काम है वो शुरू हो सका, और सम्मान में इनको फादर ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन भी कहते हैं। आज जितनी जान बचती हैं सर्जरी के केस में, एक्सीडेंट के केस में, और जो ब्लड चढ़ाने के कारण बचती हैं, उन सबका श्रेय कार्ल लैंडस्टीन को जाता है। आरबीसी की मेम्ब्रेन पर जिस तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है या एंटीजन होता है, वही ब्लड ग्रुप कहलाता है। जैसे यदि ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए कहलाता है, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी कहलाता है, दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए भी कहलाता है, और एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ कहलाता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी एबीओ सिस्टम से ही इवोल्व हुआ है। इनकी खोज डॉक्टर भेंडे ने की, जो एक भारतीय डॉक्टर है, और बॉम्बे के मूल निवासियों में इस ब्लड ग्रुप की खोज हुई, इसलिए इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप रखा गया। इन एंटीजेंस के प्रति एंटीबॉडीज भी पाई जाती हैं। एंटीजेंस तो पाई जाती है आरबीसी की मेम्ब्रेन पर, और एंटीबॉडी पाई जाती है प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में। एबीओ सिस्टम को अपन पार्ट में समझेंगे। पहले पार्ट में समझेंगे अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, यानी कौन सा ब्लड किसको चढ़ाया जा सकता है, कौन सा ब्लड किसको नहीं चढ़ाया जा सकता, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है। दूसरे पार्ट में समझेंगे अपन कि एंटीजेंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस प्रकार से ओ ब्लड ग्रुप के एंटीजन से, जिसको सब्सटेंस एच कहते हैं, एंटीजन ए बना और एंटीजन बी बना, और दूसरी तरफ एंटीजन जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप का है स्मॉल एच वो बना। तीसरे पार्ट में समझेंगे अपन एबीओ सिस्टम के इनहेरिटेंस को, कि माता पिता से संतति में कैसे जाते हैं। चौथे पार्ट में समझेंगे अपन बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब सबसे पहले अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन को समझते हैं। कुछ बातें दोहराता हूँ। ये ब्लड ग्रुप्स हैं, ए ब्लड ग्रुप वाले में ए एंटीजन होता है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होता है, ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीजन होता है, और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता, सब्सटेंस एच होता है। हालांकि सब्सटेंस एच भी एंटीजन का काम करता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप में, लेकिन इन जनरल हम बात ये कहते हैं कि यहाँ पर एंटीजन एब्सेंट है। एंटीजेंस क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है खास तरह के, जो आरबीसी की मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। अब एक चीज क्लियर कर दूं, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी का नहीं है, केवल यही एंटीजन नहीं होते एंटीजन, ये ब्लड ग्रुप वाले हैं। अपन इन जनरल एंटीजन की बात करेंगे तो हर सेल के सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और वो एंटीजन का काम करते हैं, और इसीलिए अंग प्रत्यारोपण में बहुत सावधानियां रखनी पड़ती हैं। ब्लड ग्रुप की सावधानी भी रखनी पड़ती है, लेकिन और दूसरी सावधानी भी रखनी पड़ती है। लेकिन ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस हैं वो आरबीसी के मेम्ब्रेन पर होते हैं। और फिर अपन एंटीबॉडी की बात करें, ए ब्लड ग्रुप वाले में प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होती है, बी वाले में ए होती है, ए बी वाले में नहीं होती है एंटीबॉडी, और ओ वाले में दोनों एंटीबॉडी होती है। अब एक नियम तो ये है कि समान तरह का एंटीजन और एंटीबॉडी किसी व्यक्ति में नहीं हो सकते। ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति में ए एंटीजन के साथ में यदि ए एंटीबॉडी होता तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है। रिएक्शन में क्या होता है? बड़ा झुंड बनता है, और क्योंकि एंटीजन आरबीसी के मेम्ब्रेन पर है इसलिए आरबीसी का झुंड बनेगा, ये एंटीबॉडीज आरबीसी का झुंड बना देंगी जो केशिकाओं का मार्ग अवरुद्ध करेगा, और रक्त के प्रवाह में बाधा होगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो समान तरह का एंटीजन एंटीबॉडी किसी व्यक्ति में नहीं होता है। दूसरा नियम जो हमने बनाया हुआ है वो ये, इनको अपने स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, ये कैपिटल लेटर्स में, ये स्मॉल लेटर्स में। अब एक और आश्चर्य की बात है, एंटीबॉडीज होती हैं हमारे शरीर में प्रतिरक्षा के लिए, हिंदी में इनको प्रतिरक्षी कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारी रक्षा करती हैं, और किसी खास तरह के पैथोजन के अगेंस्ट बनती हैं ये। जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो ठीक होता है एंटीबॉडी बनने के कारण। ये एंटीबॉडी हमारे में होती हैं जन्म से, लेकिन हमारी क्या मदद करती हैं हमें पता नहीं है, हमारे किस काम आती हमें पता नहीं है। जैसे ये बी एंटीबॉडी या एंटीबॉडी होती हैं तो क्या मदद करती हैं, इस व्यक्ति में दोनों होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति कम बीमार पड़ता हो। इसमें दोनों ही नहीं होती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये व्यक्ति ज़्यादा बीमार पड़ता हो। यानी हमारी क्या मदद करती हैं हमें पता नहीं है, लेकिन होती हैं, और इनके कारण रक्त चढ़ाने में सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं।
अब अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो एक नियम तो यह है कि जिस व्यक्ति का जैसा ब्लड ग्रुप है वैसा वो रक्त ले भी सकता है और रक्त दे भी सकता है उस तरह के ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को। जैसे ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है तो ले सकता है ए वाले से, दे सकता है ए वाले को। इसी तरह से बी वाला ले सकता है ए बी वाले से और दे सकता है बी वाले को। ए बी वाला ले सकता है ए बी वाले से और दे सकता है ए बी वाले को। ओ वाला ले सकता है ओ वाले से और दे सकता है ओ वाले को। इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। समान तरह का ब्लड ग्रुप तो लिया जा सकता है, वो दिया जा सकता है। बाकी कौन कौन से ग्रुप से अपन ले सकते हैं और दे सकते हैं इसको समझते हैं। अब अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कुछ इंपॉर्टेंट बात और समझते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम दोनों का रोल है और दोनों डिसाइड करते हैं कि कौन सा ब्लड किसको चढ़ाया जा सकता है, कौन सा नहीं चढ़ाया जा सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले जब टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं थी उस समय पूरा ब्लड चढ़ाया करते थे, डोनर से ब्लड लेकर उसको प्रिजर्व करते और आवश्यकता पड़ने पर रेसिपिएंट को पूरा पूरा चढ़ाया करते थे। अब फ्रैक्शंस में चढ़ाते हैं, अब ब्लड का कोई खास भाग जिसकी आवश्यकता होती है वही चढ़ाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस बीमार को ब्लड चढ़ाया जाना है उसके ब्लड का सैंपल भेजा जाता है ब्लड बैंक में और उसी ग्रुप का ब्लड दिया जाता है उसको चढ़ाने के लिए, और उस ग्रुप के ब्लड में से भी एक ड्रॉप लेकर बीमार के ब्लड के साथ मिलाकर माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। ये तो प्रैक्टिकल बात है। और थ्योरेटिकल बात जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो अपन समझेंगे कि कौन तो यूनिवर्सल डोनर है और कौन यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और क्यों है। एक और इंपॉर्टेंट बात, डोनर की एंटीबॉडी रेसिपिएंट के ग्राही के ब्लड में मिलकर डाइल्यूट हो जाती है और प्रभावहीन हो जाती है, और यदि वो प्रभावहीन हो गई इसका मतलब उसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए। और क्योंकि डोनर की एंटीबॉडी प्रभावहीन हो गई तो रेसिपिएंट का एंटीजन उससे रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको भी ध्यान में नहीं रखा जाता। क्या ध्यान में नहीं रखा जाता? डोनर की एंटीबॉडी और रेसिपिएंट का एंटीजन। तो डोनर की एंटीबॉडी तो काम नहीं करती है क्योंकि वो तो डाइल्यूट हो गई। अब डोनर के एंटीजन की बात करते हैं। एंटीजन होता है आरबीसी पर, और आरबीसी की संख्या तो खूब सारी है। एक घन मिलीमीटर ब्लड में 50 लाख है, 1 ml ब्लड में 500 करोड़ है। तो जैसे ही थोड़ी सी आरबीसी पहुंचती है, एक ड्रॉप गई जैसे, और एक ड्रॉप में 1-2 करोड़ आरबीसी गई, और वो सारी की सारी क्लंप बना लेंगी, झुंड बना लेंगी, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, और क्योंकि एंटीजन आरबीसी की मेम्ब्रेन पर है इसलिए आरबीसी का झुंड बन जाएगा। ये झुंड, ये क्लॉट केशिकाओं को अवरुद्ध करेगा, कैपिलरीज को ब्लॉक कर देगा। ये दूसरी ड्रॉप गई, आरबीसी और क्लॉट हो गई, तीसरी ड्रॉप गई, आरबीसी और क्लॉट हो गई। इस तरह से क्लॉट ही क्लॉट बन जाएंगे और कुछ समय बाद ही रेसिपिएंट की ग्राही की मृत्यु हो जाएगी। अब अपन ब्लड बैंक के द्वारा आजकल जो टेक्निक अपनाई जाती है उसको समझते हैं। ब्लड के फ्रैक्शंस कर लिए जाते हैं, ब्लड से आरबीसी निकाली गई और डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ में उसको प्रिजर्व कर दिया गया। इसमें केवल प्लेटलेट है, प्लेटलेट के अलावा कुछ नहीं है। इसमें केवल प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अलावा कुछ नहीं है, और इसमें ब्लड क्लोटिंग के फैक्टर्स हैं, इनके अलावा कुछ नहीं है। तो जिस व्यक्ति को हीमोग्लोबिन चाहिए, जिस व्यक्ति को आरबीसी चाहिए, जो एनीमिक है उसको केवल आरबीसी चढ़ाई जाएंगी। तो डेंगू का पेशेंट जिसके अंदर प्लेटलेट की कमी होगी उसको प्लेटलेट चढ़ा दी जाती है। जिस बीमार के ब्लड में प्लाज्मा की कमी हो गई उसको प्लाज्मा चढ़ा दिया जाता है, और जिसके ब्लड क्लोटिंग में दिक्कत है उसको ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर चढ़ा दिए जाते हैं। तो एक व्यक्ति के द्वारा दिए गए ब्लड से 4 व्यक्तियों की जान बचती है। कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं किया जाता, जो भाग जिसको चाहिए उसको केवल वही भाग चढ़ाया जाता है। तो अपन तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं तो आरबीसी की बात करेंगे। इन आरबीसी के साथ में एंटीबॉडी है ही नहीं, और एंटीबॉडी है ही नहीं इसलिए अब रेसिपिएंट का एंटीजन तो देखा ही नहीं जाता। क्या देखा जाता है? डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी, क्योंकि यदि क्रिया होती है तो इनके बीच में ही होती है। अब अपन समझते हैं इस चार्ट की सहायता से कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। लेकिन एक बार फिर से दोहरा दूं, डोनर का एंटीजन देखना है, क्योंकि या तो उसकी एंटीबॉडी हटा दी गई है फ्रैक्शनेशन के टाइम पर, या वो डाइल्यूट हो जाएंगी। और क्योंकि डोनर की एंटीबॉडी नहीं कंसिडर कर रहे इसलिए रेसिपिएंट का एंटीजन कंसिडर नहीं करेंगे। तो मान लो रेसिपिएंट ए ब्लड ग्रुप का है, रेसिपिएंट ए का है, इसका मतलब उसकी एंटीबॉडी कंसिडर करेंगे। और ये किस किस से क्रिया कर सकती है? एक तो यहाँ क्रिया कर सकती है, एक यहाँ क्रिया कर सकती है। इसका मतलब ए वाला ब्लड नहीं ले सकता है बी का और नहीं ले सकता है ए बी का।
एक तो ले सकता है, एक के साथ में किसका ले सकता है, यहां पर एंटीजन नहीं है तो इसलिए ओ का और ले सकता है, तो ये ओ का और ले सकता है। इसी तरह से मान ले रेसिपिएंट की बार बी है तो उसके अंदर एंटीबॉडी ए है, ये इससे क्रिया कर सकती है और इससे क्रिया कर सकती है, ए बी में भी है ए एंटीजन, तो नहीं ले सकता ए का, नहीं ले सकता ए बी का, किसका ले सकता है, ओ का ले सकता है, इसलिए बी वाला भी बी के अलावा ओ का और ले सकता है। अब देखें अपन ब्लड ग्रुप ए बी, ये रेसिपिएंट है तो इसकी क्या देखें अपन, एंटीबॉडी देखें, एंटीबॉडी इसमें है ही नहीं। जब एंटीबॉडी नहीं है इसका मतलब किसी भी एंटीजन का, किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड इसको दिया जा सकता है, यानी ये ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है और ओ का भी ले सकता है, ए बी का तो ले ही सकता है। अब देखें अपन ब्लड ग्रुप ओ, इसके अंदर एंटीबॉडी और भी दोनों है और ए और भी दोनों है, इसका मतलब ना तो ये ए का ले सकता है, ना ए बी का ले सकता है, ना ही ए बी का ले सकता है, केवल किसका ले सकता है, ये केवल ओ का ही ले सकता है। अब देखें अपन कौन किसको दे सकता है, अब की बार देने वाले की बात करेंगे तो उसका एंटीजन देखेंगे, अब की बार डोनर का अपन एंटीजन देखेंगे, तो ए किस किस को दे सकता है, इसका एंटीजन इससे क्रिया करेगा, इसका मतलब ये बी को नहीं दे सकता, इसका एंटीजन इससे क्रिया करेगा, इसका मतलब ओ को भी नहीं दे सकता, लेकिन यहां पर एंटीबॉडी नहीं है, ये इसको ब्लड दे रहा है, एंटीबॉडी नहीं है, इसका मतलब किसको दे सकता है, साथ में ये ए के साथ में ए बी को और दे सकता है। अब देखते हैं अपन बी किस किस को दे सकता है, तो बी के अंदर एंटीजन बी है ये देखना अपने को, और यहां पर एंटीबॉडी बी यहां ए ब्लड ग्रुप में है और ओ में है, इसका मतलब ये नहीं दे सकता ए को, नहीं दे सकता ओ को, और यहां पर एंटीबॉडी नहीं है इसलिए ये दे सकता है ए बी को। अब अपन देखें ए बी किस किस को दे सकता है, तो इसके अंदर दोनों एंटीजन है, इसका मतलब यहां भी नहीं दे सकता ये यहां भी नहीं दे सकता, क्योंकि यहां क्रिया ये कर लेगी, यहां क्रिया ये कर लेगी और यहां क्रिया ये दोनों कर लेंगी, तो ए बी वाला नहीं दे सकता ब्लड ए को, नहीं दे सकता ब्लड बी को, नहीं दे सकता ब्लड ओ को, ये केवल ए बी को ही दे सकता है। अब अपन ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप का क्या देखना है, ये नहीं देखेंगे अब की बात, क्योंकि दे रहा है ये, यहाँ पर एंटीजन की बात करेंगे तो एंटीजन तो है नहीं, यहाँ पर एंटीजन नहीं है इसलिए ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, तो ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। अब अपन यहाँ देखते हैं ये सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए ए बी को अपन सर्वग्राही कहते हैं, ये सबको ब्लड दे सकता है, इसलिए ओ को अपन सर्वदाता कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल डोनर। लेकिन आरएच सिस्टम को और मिला देंगे तो ब्लड ग्रुप की संख्या 8 हो जाएगी 4 के बजाय, उस समय हम कहेंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट तो है ए बी पॉजिटिव और यूनिवर्सल डोनर है ओ नेगेटिव। अब एक बात फिर से दोहरा दूं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी को इसलिए कहा जाता है कि उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी न होने के कारण वो किसी का ब्लड ले सकता है, और यूनिवर्सल डोनर ओ को इसलिए कहा जाता है कि उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन न होने के कारण वो किसी को ब्लड दे सकता है। ये बातें ध्यान में रखने की है। पार्ट वन में बस इतना ही, पार्ट सेकंड में समझेंगे अपन ये एबीओ सिस्टम इवोल्व कैसे हुआ है, कैसे ओ ब्लड ग्रुप से ए बना, बी बना और ए बी बना। अब एक आवश्यक बात, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए बाय।